बिसमिल्ल हिरिम असलकुम ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर चैनल में खुश आमदीद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबरक तो बरक के फ़लोक करम से खैर खैरअी होंगे आज मैं एक छोटी सी आयत बसमिल्ला हिरमाम का अमल लेकर हज रहा हूँ जमेरात और जुम्मा सिर्फ दो दिन ये आयत पानी पर आपने इसको इस तरह से पढ़ना है जैसे मैं आपको बताऊँगा तो इन श्र् तिन के अंदर, अंदर आपका हर बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा अगर आप औलाद के हवाले से परेशान हैं दो दिन के अंदर, अंदर रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाएगी अमल ठहर जाएगा ये अमल जिसने भी किया है अल्लाह पाक ने उन्हें हंड्रेड परसेंट कामयाबी अता की है क्योंकि ये जो आयत है बिस्मिल्लाह शरीफ की बिसमान रहीम की जो आयत है ये छोटी सी आयत है लेकिन इसको पढ़ने की फजीलत बहुत ज्यादा है बज़ दफा अल्लाह रबुल्जत ने छोटी चीज़ों में इतनी ज्यादा ताकत छुपा रखी होती है कि कोई आम मुसलमान इसका तस्वर भी नहीं कर सकता है बिस्मिल्लाह शरीफ भी इसी में शामिल है इस छोटी सी आयत में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है कि जब कोई बंदा इस आयत को पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करता है तो उस बंदे की दुआ रद्द नहीं जाती फ़ौर कबूल हो जाती इस आयत को पढ़कर अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा इस समा को बताने से पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहने और भाई जो मेरी आज की वीडियो को देख रहे हैं अगर वो परेशान हैं औलाद की नमस्त महरूम हैं औलाद के लिए तरस रही हैं तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से और हजूर नबी पाक के वसीले से अल्लाह पाक एक ही दिन में उन्हें औलाद की खुशखबरी अदा कर दे आमीन तमाम मेरे बहन और भाई कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जो ला पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें यह आज का वजीफा आपने जमेरत और जुम्मा दो दिन लगातार आपने करना इस अमल को आपने असर की नमाज के बाद करना है आपने इस अमल करने से पहले पानी का गिलास अपने पास रख लेना है अव्वल आखिर तीन तीन मरतबा दुलपाक आपने पढ़ना है दरमियान में आपने एक हज़ार मरतबा वन थाउजेंड टाइम्स आपने बिसमिल्ल हिरिम आपने एक हज़ार मरतबा आपने पढ़नी है और जब आप एक हज़ार मरतबा बस्म शरीफ पढ़ लें उसके बाद आपने तैंतीस मरतबा अल्ला रब्ल करना ये नाम या सलामो या सलामो या सलम इस नाम को आपने पढ़ना है सल्लम का फरमान है कि जब कोई बंदा या सलामों को रोज़ाना पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस शख्स को कभी भी मार नहीं करेंगे वो हमेशा तंदरुस्त रहेगा तो आपने तैंतीस मरतबा या सलाम हो आपने कहना है और फिर तीन मरतबा और पर पढ़कर अपने लपाक से दुआ करनी है कि ऐह मेरे पाक अल्लाह ये पानी मेरे लिए शिफा याब बना दे इस पानी को जब मैं पीऊं तो आ, मेरे जिसम के अंदर जो भी बीमारी हो अल्लाह पाक उसको दूर कर दीजिए और मुझे जल्दी साहब औलाद कर दीजिए तो आपने ये दुआ करके अपने पानी पर फूक मार देनी वो पानी जो है दोनों मियाँ बीवी ने पी लेना है तो ये अमल जब आप करेंगे तो यकीन कीजिए इस अमल को आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं चाहे वो मकसद किसी भी हवाले से हो तो अगर आपके ऊपर कोई जादू है कोई बंदश है कोई रुकावट है तो वो वो उतारा इन दूर होगी और आपकी जो खाली झोली है वो भरी जाएगी तो दो दिन आपने लगातार ये अमल करना है दोनों दिन ये वजीफ़ा आपने असर की नमाज़ के बाद करना है तो ये अमल आप लाजमी करें इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें जिस